नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद और हम इस वक्त खड़े हैं हिंडन एयरबेस पर गाजियाबाद के, जहां पर चल रहा है ड्रोन शक्ति कार्यक्रम। और हम आपके हमारे साथ मौजूद हैं ड्रोन शक्ति फेडरेशन के प्रेसिडेंट स्मित शाह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर। आपका जो ड्रोन शक्ति फेडरेशन है वो एक, जैसे कि इंट्रो में बताया गया, वो एक एनजीओ है। इतना बड़ा कार्यक्रम आप लोग करा रहे हैं, पर्पस क्या है इसका? देखिए, इंडिया की ड्रोन इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए और इंडियन मैन्युफैक्चरर्स का ग्लोबल एक्सपोर्ट करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, ये है ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया का ऑब्जेक्टिव। आपके पास एग्रीकल्चर के ड्रोन्स हैं, सर्विलांस के ड्रोन्स हैं और बाकी सारी चीज़ें हैं, तो इस, लेकिन ये खास तौर पे डिफेंस रिलेटेड एरिया में क्यों इसका प्रदर्शन हो रहा है? भारत ड्रोन शक्ति 2023 ये इवेंट जो है, ये एक ड्रोन के शक्ति प्रदर्शन की तरह कॉन्सेप्चुलाइज किया गया है। यहाँ पे 75 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स है, 50 से ज़्यादा अलग अलग टाइप के ड्रोन डेमोन्स्ट्रेशन है, जिससे बेसिकली जो ड्रोन के कस्टमर्स है, जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, पैरामिलिट्री एजेंसीज है, इन सब लोगों को ड्रोन टेक्नोलॉजी पे सेंसिटाइजेशन मिले और सेंसिटाइजेशन के बाद में ये उसको खरीद कर अडॉप्ट करने के ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो सके। तो ये इस ऑब्जेक्ट, ये इस पूरे इवेंट का ऑब्जेक्टिव है। तो हम ये क्या उम्मीद करें कि ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है ये सरकार और प्राइवेट प्लेयर्स के बीच में एक ब्रिज का काम कर रहा है? बिल्कुल, इनफैक्ट आप देखेंगे तो चाहे वो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री हो, डिफेंस मिनिस्ट्री हो, आर्म्ड फोर्सेज हो या बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में इंडस्ट्री में क्या चल रहा है और उसका कैसे हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज और बाकी डिपार्टमेंट्स को फ़ायदा हो सकता है, इसका काफ़ी हम मिलवाने का काम और एनेबलमेंट का काम करते हैं फॉर द इंडस्ट्री एंड द गवर्नमेंट बोथ। यानी आप एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिससे प्राइवेट प्लेयर्स और सरकारी कंपनियां वो एक साथ आके काम कर सकें। ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे भारत की ड्रोन कंपनीज और जितने बाकी सारे डिपार्टमेंट्स हैं ये साथ आ सकते हैं और साथ आकर बेसिकली एक दूसरे के बारे में समझ सकते हैं और इंडिया का ड्रोन विजन और ड्रोन पावर का डेफिनेशन कर इंडियन ड्रोन टेक्नोलॉजी को इंडिया में और बाकी विश्व में अडॉप्ट करने के लिए काम कर सकते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जानकारी दी कि भारत में ड्रोन के क्षेत्र में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं और बहुत सारी नई नई तकनीक डेवलप हो रही है, तो इसके बारे में कुछ दर्शकों को बताया कि क्या नई नई तकनीक डेवलप हो रही है ड्रोन के क्षेत्र में। देखिए, ड्रोन के क्षेत्र में अगर हम नई तकनीकों की बात करेंगे तो जैसे आज भारत ड्रोन शक्ति के शक्ति प्रदर्शन शो में हमने देखा कि इंडिया में सर्च एंड रेस्क्यू करने के लिए अलग अलग टाइप के ड्रोन बन रहे हैं। सर्च एंड रेस्क्यू के बाद अगर कोई आदमी गुम जाता है और उसकी तरफ कोई हेल्थ पैकेट पहुँचाना है तो उसके लिए पेलोड डिलीवरी के ड्रोन बन रहे हैं। ये तो सिविल यूज़ केसेस की बात करें। हम डिफेंस की बात करें तो हमारे अगर कोई एडवर्सरी है या बॉर्डर पे कोई घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है तो उनको ऑटोमेटिकली AI यूज़ करके डिटेक्ट करने के लिए ड्रोन्स बन रहे हैं। और इफ़ रिक्वायर्ड अगर कोई वार्निंग शॉट्स देने हो या वार्निंग सेंड करना हो तो वार्निंग करने के लिए भी रेट्रोफिटेड आर्म्ड ड्रोन्स भी बन रहे हैं जो ऐसे घुसपैठ के लिए वार्निंग्स इशू कर सकते हैं और उसको नाकाम कर सकते हैं। तो विभिन्न टाइप के ड्रोन्स हैं इंडिया में। ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया एक प्राइवेट संस्थान है लेकिन ये आर्म्ड ड्रोन पे भी काम कर रहा है जो कि सैन्य इस्तेमाल के लिए हैं, तो इसमें आपको कोई मुश्किल तो नहीं आ रही सरकारी तरफ एफिलिएशन में मान्यता प्राप्त होने में? देखिए, हमारा उद्देश्य ड्रोन बनाना या ड्रोन बेचना नहीं है, पर जो ड्रोन में इनोवेशन कर रहा है उनको सही प्लेटफॉर्म देना और सही एनेबलमेंट करना है। इसीलिए जो हमारा उद्देश्य है वो गवर्नमेंट के उद्देश्य से और वो प्राइवेट इंडस्ट्री के उद्देश्य से मेल खाता है और ओवरऑल देश के हित में है, इसलिए अब तक तो हमें अच्छा सपोर्ट मिला है और हम आशा करते हैं कि आगे भी ये सपोर्ट मिलता रहेगा। तो ड्रोन इंडस्ट्री का भविष्य क्या देखते हैं आप? ये मार्केट कितना बड़ा होने वाला है भारत में अगले 5 सालों में? देखिए, अगले 5 सालों में ऐसा एस्टिमेट है कि ये कम से कम 30 से 40 हज़ार करोड़ का मार्केट होगा और एक्सपोर्ट ऑफ सिविल एज वेल एज डिफेंस ड्रोन्स एक बहुत मेजर रोल प्ले करेगा इस पूरे इकोसिस्टम में। तो ड्रोन का इस्तेमाल किसान से लेके सेना से लेके इंडस्ट्रीज से लेके सिक्योरिटी एजेंसी सब कर रही हैं आज के क्षेत्र में, ऐसा क्या क्षेत्र है, कोई क्षेत्र बाकी भी है जहाँ पे ड्रोन का इस्तेमाल ना हो रहा हो? देखिए, मैं आपको एक एक्सरसाइज देना चाहूँगा कि आप ढूंढिए एक क्षेत्र कोई जहाँ पे ड्रोन लॉजिकली टाइम नहीं बचा सकता है या इम्पैक्ट नहीं ला सकता है। ड्रोन के 120 प्लस एप्लीकेशन है। तो मैं दर्शकों को कहूँगा कि आप एक सेक्टर चूज़ कीजिए और मैं शायद बताऊँगा कि इसमें ड्रोन कैसे रोल प्ले कर सकता है। तो इतना वास्ट ये सेक्टर है। तो ये ड्रोन शक्ति कार्यक्रम नहीं था, ये ड्रोन का शक्ति प्रदर्शन कार्यक्रम था। और हम आपको बता दें कि स्मित शाह जी ने आज के बारे में हमें बहुत सारी जानकारियाँ दी।